जैसे ही यहाँ पे पेशेंट एडमिट हो जाता है तो तत्काल में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैजुअल्टी वार्ड में आपको हमेशा डॉक्टर मिलेंगे, जैसे कि 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे डॉक्टर। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू बैक सरोजपुरी चैनल में। और सरोजपुरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं शेयर कराऊंगा राउरकेला का हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो गाइस, आज हम जानकारी लेंगे इस हॉस्पिटल में कि कौन सा बीमारी यहाँ पे इलाज होता है, हॉस्पिटल के अंदर की और कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है, और डॉक्टर की फीस कितनी देनी पड़ती है, ये सारा जानकारी लेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, चलते हैं हाईटेक हॉस्पिटल अंदर की ओर। हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते ही लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएंगे साईं बाबा जी और सामने दिख जाएंगे श्री जगन्नाथ जी। और एंट्रेंस में ही आपको बहुत बड़ा हॉल मिल जाएगा और उस हॉल में ही फ्रंट में आपको मिल जाएगा ये सारे बिलिंग काउंटर। अगर आप फर्स्ट टाइम चेकअप के लिए जा रहे हो तो एक टिकट काटना पड़ता है, जो कि ओपी रजिस्ट्रेशन काउंटर में ही वो टिकट मिल जाता है। और हॉस्पिटल वाले वो टिकट का चार्जेस लगाते हैं ओनली 50 रुपीज, जिसमें आप कोई भी एक डॉक्टर को चेकअप करा सकते हैं उस टिकट के जरिए में। और ठीक ओपी रजिस्ट्रेशन के ठीक साइड में आपको एक बोर्ड दिख जाएगा जहाँ पे शो कर रहा है एरो मार्क के द्वारा कि कौन सा डिपार्टमेंट किस वे में जाएगा करके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, इसी तरह सारा डिपार्टमेंट का वे यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं आ गया हूँ काउंटर के बैक साइड यानी कि अंदर की ओर, और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा मेडिसिन स्टोर, और वहीं पे खड़ा होकर आपको फ्रंट में दिख जाएगा ये कैंटीन। और गाइस, कैंटीन के ठीक साइड में आपको मिल जाएगा फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जाने के लिए सीढ़ी, उसके साइड में ये स्लोप वाला रास्ता और फ्रंट में ये लिफ्ट मिल जाए, जैसे कि ऊपर जाने के लिए 3 वे का सुविधा है। और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर में आप आ जाते हैं तो लिफ्ट के बैक साइड में आपको एक साइन बोर्ड दिखेगा जिसमें लिखा होगा हॉस्पिटल के अंदर में क्या क्या सर्विस अवेलेबल है। और जैसे ही बोर्ड पढ़ते पढ़ते आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपको मिल जाएगा सर्जरी वार्ड, और उसके राइट साइड में आपको मिल जाएगा मेडिसिन वार्ड। फिर मैं ग्राउंड फ्लोर पे रिटर्न आ गया कैजुअल्टी के तरफ। कैजुअल्टी मीन्स इमरजेंसी वार्ड,
जो कि पेशेंट अगर सीरियस होता है तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए ये कैजुअलिटी वार्ड आना पड़ता है, और कैजुअलिटी वार्ड एंटर करने के लिए सेपरेट गेट दिया गया है, और जैसे ही यहाँ पे पेशेंट एडमिट हो जाता है तो तत्काल में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैजुअलिटी वार्ड में आपको हमेशा डॉक्टर मिलेंगे, जैसे कि 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे डॉक्टर। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह अलग अलग अपडेट्स आपको मिलता रहे, वो भी मेरे चैनल के द्वारा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट इन माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।